सो गुड मॉर्निंग ए आर आर्मी, होप यू ऑल आर फाइन। एंड मैं एक मज़ेदार सा व्लॉग लेके आई हूँ। सो बहुत दिन हो गए व्लॉग अपलोड नहीं किया, सो आज सोच बना लूँ, क्योंकि आज मैं जाने वाली अपने गांव को। फिलहाल तो पापा स्कूल में गए हैं। देखो स्टूडेंट्स के स्कूल बंद हो चुके हैं, बट टीचर्स लोगों के स्कूल बंद नहीं हुए, सो पापा स्कूल जा चुके हैं। तो आज हम जाने वाले हैं गाँव को, क्योंकि पापा को वहाँ पे खेती देखनी है। सो पापा वहाँ पे जाएंगे एंड मैं तो वहाँ पे मस्त एंजॉय करूँगी, क्योंकि यार मुझे गाँव जाना बहुत पसंद है। क्योंकि यार वहाँ पे यार नेचर, यार मुझे बहुत वहाँ पर मतलब नेचर बहुत ही सही है, क्योंकि हर जगह ग्रीननेस एंड खेती देखने को मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। सो वहाँ पे भी जाएंगे एंड आज मैं आपको मेरा घर दिखाऊंगी, गाँव का घर कैसा है। एंड कल मैं आपको पूरा मेरे खेत वगैरह सब दिखाऊंगी गांव के। तो आज फ़िलहाल तो गांव को ही जाएंगे एंड फ़िलहाल तो मुझे नानी ने बुलाया है, तो नानी के घर पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने से पहले और एक बात कहनी थी। यहाँ पे संडे टू सैटरडे मैं व्लॉगिंग करूँगी, मैं सोच रही संडे सैटरडे नहीं, सिर्फ संडे को व्लॉगिंग करूँगी या सैटरडे को कुछ चैलेंजिंग वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि यार मंडे टू फ्राइडे अपना डे कैसा होता है मैं बताऊँगी। सुबह स्कूल जाना पड़ता है, फिर आके ट्यूशंस एंड 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक मेरा दिन ऐसा कट जाता है स्कूल और ट्यूशन से। सो और वहाँ पर मोबाइल भी लेके जाने नहीं देते, स्कूल में अलाउड नहीं है। तो फिर भी अभी मैं इसलिए मैंने सोचा है कि संडे व्लॉग बनाऊंगी। एंड मंडे से वैसे भी मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे। अभी चलते हैं, मंडे से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर वही वैसे मंडे टू फ्राइडे डे। तो इसलिए मैं संडे को व्लॉग बनाऊंगी एंड चैलेंजिंग वीडियो। तो आपको किस टाइप की चैलेंजिंग वीडियो चाहिए बस कमेंट करो, एंड व्लॉग्स भी आपको किस चीज़ के व्लॉग्स चाहिए वो भी मुझे कमेंट करो। फिलहाल तो अभी नानी के घर चलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं साइकिल से जाऊँ, क्योंकि साइकिल से जाने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, माना कि मुझे गाड़ी भी चलाने आती है, बट साइकिल इज़ बेस्ट। वैसे नानी का घर पास में है, ज़्यादा दूर है नहीं। फाइनली गाइस पहुंच गए। गाइस पहुंच गए, देखते हैं नानी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मामा बैठे हैं, काम कर रहे हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया नहीं नानी ने मुझे क्यों बुलाया। सो नानी ने मुझे लंच करने के लिए बोला है एंड नानी अभी फिलहाल तो खाना बना रही है। फाइनली अपना लंच रेडी है, नानी ने मस्त पनीर की सब्जी बनाई है एंड चपाती, राइस एंड सलाद। सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे ये खाना। फाइनली लंच कर लिया एंड नाना भी आ चुके हैं, और यहाँ पे नानी लंच काफ़ी टेस्टी था, थैंक यू, वेलकम, हाय, चलते हैं, बाय। फाइनली पहुंच गए, फिलहाल तो गाइस रेडी होते हैं, गांव को जाना है। तो गाइस फाइनली गांव जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने पोनी डाली है, आई डोंट नो कैसे दिख रहे हो, क्योंकि बहुत दिन बाद पोनी डाली है। वैसे मुझे यार पोनी डालना पसंद नहीं, बट वो अलग से ही लगता है अगर पोनी नहीं डाली तो। सो अभी फ़िलहाल तो गाँव जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, अभी चलते हैं। तो गाइस बहुत दिन बाद हम एक्टिवा से जाने वाले हैं गाँव को, क्योंकि यार अपने जो इंडिगो है ना कार, वो रिपेयरिंग के लिए जा चुकी है।
उसका शायद कुछ सेंसर ख़राब हो गया है, सो वो रिपेयरिंग के लिए भेज दिया, इसलिए एक्टिवा से जाएंगे। तो गाइस आई थिंक बहुत दिन बाद मैं एक्टिवा पे गाँव पे जा रही हूँ, मतलब देखा जाए तो इंडिगो थी तो कार में जाते थे, सो बहुत दिन बाद जा रही हूँ एक्टिवा पे। फिलहाल पप्पा चला रहे गाड़ी, बाद में मैं चलाऊँगी हाईवे पे। तो वैसे अभी पेट्रोल डलवाने आए हैं, वैसे अभी मैं चलाने वाली हूँ गाड़ी। फिलहाल तो आए अपने खेत में, क्योंकि अभी खेत देख के जाएंगे। चलो देखते हैं। गाइस ये अपना तुअर का खेत, एंड यहाँ पे देख सकते हो ये छटाई हो चुकी है, मतलब इतने तुअर के झाड़ काटे हैं, इसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो निकालते हैं। सो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं, वहाँ पे देख सकते हो आप निकाल रहे हैं। तो गाइस ये है तुरी, एंड यहाँ से कचरा निकल के आ रहा है, एंड उस साइड तुरी होगी। फिलहाल चलते हैं वापस, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि प्यास भी लगी है बहुत ज़्यादा। चलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली पहुँच गए यहाँ पे भी हमारी तुअर है, एंड यहाँ पे दादी वेट कर रही थी हमारा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरा गांव का घर कैसा है। सो यहाँ पे हॉल है, फर्स्ट वी एंटर तो यहाँ पे हॉल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दादी बैठी है, एंड फर्स्ट हमारा हॉल आ जाता है, एंड यहाँ पे अगर हम गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा किचन है, ठीक है, किचन है। और अगर हम यहाँ से आगे जाए यहाँ पे अपना बेडरूम, सो कुछ ऐसा है हमारा बेडरूम। एंड अभी हम पीछे वाले इससे जाएंगे, पीछे जाएंगे। सो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारा पुराना घर है, जो अपना पुराना घर था, मतलब यहाँ पे पहले एक घर था जो कि मिट्टी से बना था। पहले ज़माने में मिट्टी से के घर रहते थे ना यहाँ पे, सो पहले मिट्टी का घर था, उसको मोड़ दिया तब के लिए जब दूसरा घर बनाने के लिए ये घर बनाया था हमने। सो ये आपको दिखाते हैं कैसा है ये, मतलब एकदम पुराना है अपना, मतलब यहाँ पे बस हम एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं इसे। सो ये कुछ ऐसा है स्टोर रूम, आप समझ लो ऐसा है। एंड यहाँ पे जो आपको डोर दिख रहा है वो किचन का डोर था। अब आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, खोलते हैं। ओके यहाँ पे चूहे भी हो सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे एक पुराना हमारा किचन है, सो यहाँ पे भी स्टोर रूम का ही काम हम यूज़ कर रहे हैं इधर। सो अभी हम और भी आपको दिखाते हैं,
ओके तो यहाँ पे इस पुराने घर में बस इतना ही था एज अ स्टोर रूम, हम यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पे यहाँ से आगे जाते हैं सो यहाँ पे है हमारा वॉशरूम्स। सो बस इतना ही है, वॉशरूम वगैरह है एंड सो बस इतना ही है। एंड अगर हमने सामने की ओर हमने देखा जाए तो हमारे पास एक मतलब ऐसा ही एक छोटा सा कमरा टाइप है, कमरा भी नहीं बोल सकते हम उसको एज अ मतलब हम जहाँ पे अपना खेती का सामान रखते हैं वो वाला आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा जो आंगन है इस बार तुरी रखा है इसे धूप से, मतलब ये गरम थोड़ा गरम आना चाहिए, गीले नहीं रहना चाहिए। हाँ तो ये वाली रूम की बारे में बात कर रही, रूम नहीं बोल सकते इसे हम, यहाँ पे खेती का सामान रखते हैं। इसमें तूर भरी है पूरी, इसमें पूरी एंड यहाँ पे कुछ खेती, यहाँ पे हमारी क्या बोलते उसको, यहाँ पे हैंड रहती है हमारी। एंड देखा जाए तो यहाँ पे चार्जर्स है जो कि यहाँ पे पंप पे लगते हैं, ठीक है। सो ये चार्जर्स है एंड यहाँ पे थोड़ी से मतलब पहाड़ी है जो कि ऐसा सुखाने में काम आता है, देखो यही है वो, इसको ऐसा फैला कर देखे तो ऐसा लंबा हो जाती है। तो बस इतना ही है। तो गाइस अभी मैं दिखाऊंगी आपको मेरे गांव का घर। सो जैसे ही हम एंटर होते एक हॉल है हमारे पास जो कि हॉल है ये, और यहाँ पे बेड है और ये सोफ़ा एंड यहाँ पे देखा जाए तो एक किचन है ऐसा सादा सा प्यारा सा। एंड आगे देखा जाए तो यहाँ पे मंदिर है, सो यहाँ पे भगवान है। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो ये हमारी बेडरूम है, यहाँ पे चारपाई एंड यहाँ पे बेड। और पीछे की ओर मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला घर था पुराना घर वो है एंड बाकी एज अ स्टोर रूम हम पुराना घर यूज़ करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एंड अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे मतलब छत पे जाएंगे तो दिखाते हैं आपको छत पे क्या है। छत से पूरा गांव दिखता है गाइस, चलते ऊपर। यहाँ पे गद्दी सुखा रहे हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का गांव है। ऊपर जाएंगे यार, मुझे ये छत पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे पूरे पीछे की ओर खेत है देख सकते हो आप, एंड इस साइड गांव है और इस साइड पे कुछ घर सा। बस इतना ही है यार मेरे गांव का घर, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। गाइस यहाँ पे है हमारा एक कुछ खेती का सामान रहता है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है मतलब इसमें पूरे तुअर है, इसमें पूरे जितने भी बैग्स देख रहे हो इसमें सारे में तुअर है। एंड अगर मैं और सामने बात करूँ तो यहाँ पे चार्जर्स है जो कि चार्जिंग पंप के काम आता है, देखो चार्जिंग पंप्स यहाँ पे मतलब पंप्स ही ऐसे है जो अपने लैंड जो होता है ना फर्टिलाइज मतलब जब हमारे क्रॉप्स उग जाते हैं बड़े होते हैं मतलब बड़े होना ज़्यादा बड़े होने चाहिए उसके लिए वो यूज़ होते हैं। मैं इसको इंग्लिश सिखा रही हूँ तो देखते हैं इसको कितना सिखा पाती हूँ मैं। यहाँ पे फाइनली हो चुकी है शाम एंड कुछ बहुत सही वाइब्स आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। सभी आदमी लोग अपने आदमी जो है ना गाँव का खेत में काम करने वाले वो अभी तुअर जमा कर रहे हैं, फिर कल सुबह फिर सब मिलेंगे, ये ड्राई होना चाहिए इसलिए।
फाइनली तुअर इकट्ठा हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड यहाँ पे पापा अपने बैठे हैं। नहीं बाहर बाहर क्या? आज हम जिस खेत में गए थे उस खेत में से देख सकते हो कितने सारे तुअर आए, बहुत सारे बैग से तुअर के। एंड यहाँ पे अब ये अंकल निकालेंगे तुअर। देख सकते हो कितने सारे तुअर के बाहर दाने हैं, बहुत ज़्यादा है गाइस। सो अभी तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड रात तो हो ही गई है। सो देखते हैं अभी खाना खाएंगे। सो गाइस अभी हम करते हैं डिनर एंड डिनर में रोटी और ये है आड़न एंड ये होती है दाल। सो फटाफट से डिनर कर लेते हैं। हो गया है एंड अभी मैं टीवी देख रही हूँ। सो देखते हैं अपन टीवी। गाइस अभी तक मैं टीवी देख रही थी एंड अभी रात के 10 बज चुके हैं। सो इस व्लॉग को कर देते हैं एंड मिलता है जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।